જે કોઈ કંપની હોય બ્લેક આઉટ ડે કાલે ઉમરગામ 28 તારીખ 8 2024 બ્લેક આઉટ ડે કોઈ ભી ઇન્ડસ્ટ્રી કાલે ચાલુ નહી થાય કાલે કાલે બોલ 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 કાલે બોલ टोटल खाली हॉस्पिटल सेवा बस हॉस्पिटल सेवा चालू रहे इमरजेंसी सेवा चालू रहे बीजी कोई सेवा चालू नहीं रही आज तुम्हें वायरल करो दिल दहला देने वाली घटना गुजरात के उमरगांव से जहां पर गुलाम मुस्तफा नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही हिंदू मित्र की 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। गुलाम मुस्तफा और पीड़ित बच्ची का पिता अच्छे मित्र थे, अड़ोस पड़ोस में रहते थे और एक ही साथ काम करते थे। फिर भी गुलाम मुस्तफा ने कुछ भी नहीं सोचा। जैसे ही वो 3 वर्षीय बच्ची को अकेला देखता है उसको वहां से उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब बच्ची रोने लगी चिल्लाने लगी तब गुलाम मुस्तफा उसे छोड़कर भाग निकला। वलसाड पुलिस की सतर्कता के कारण महाराष्ट्र भागते हुए ट्रेन में ही गुलाम मुस्तफा को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया और उस पर उचित कार्यवाही भी हुई है। किंतु मैं गुजरात सरकार को याद दिलाना चाहता हूं और उनसे मांग करता हूं कि अभी अयोध्या में ही 5 वर्षीय एक बच्ची के साथ सलीम ने दुष्कर्म किया था। यूपी पुलिस ने उसको पैरों में गोली मारकर आजीवन अपाहिज कर दिया। वहीं असम में भी तफज्जुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति ने 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, उसे भी तालाब में कूद कर अपनी जान देनी पड़ी। फिर ऐसी कार्यवाही गुजरात में कब? कब ऐसे दरिंदे गुलाम मुस्तफा जैसे लोगों की छाती में गुजरात पुलिस गोली मारेगी? कल शाम को 6 बजे उमरगाम पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन हमारे पास आई थी। एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक कंप्लेन हमारे पास आई थी। बच्ची के माँ बाप बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके आए थे। पुलिस स्टेशन ने तुरंत के तुरंत इस बच्ची का मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया अस्पताल में, पुलिस स्टेशन की टीम लेके, और बच्ची के जो माता पिता है उनकी एक कंप्लेन ली गई है। जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसकी कलम 65(2) और पॉक्सो की कलम 4, 5, 6 और 8 के मुताबिक गुना दाखिल किया गया है। इस बच्ची को CHC से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में वलसाड़ में शिफ्ट किया गया है। बच्ची की तबीयत अभी एकदम ठीक है, बच्ची अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट में है और बच्ची बोल चाल सकती है और बच्ची कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव है। बच्ची की स्वास्थ्य एकदम अच्छा है। जो पता चला हमें बनाव के बारे में, तो पता चला कि ये जो कंप्लेनेंट है, जो लड़की का पिता, ये जो अक्यूज़ है वो लड़की के पिता का नोन है, उसका दोस्त है। ये 3 महीने पहले अक्यूज़ 3 महीने पहले वलसाड़ उमरगाम आया था और अक्यूज़ की बहन के कहने पे इस कंप्लेनेंट ने खुद ही इसको अपने साथ एक कंपनी में, डॉम्स कंपनी में नौकरी पे लगवाया था। बच्ची के माँ बाप और ये अक्यूज़ है वो एक दूसरे को पहले से जानते थे और इसी का फ़ायदा उठा के उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। अक्यूज़ वलसाड़ छोड़ के अपने शहर जिला है, जो गांव है झारखंड स्टेट, वहां पे भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच SO की टीम और पालघर SP साहब और पालघर की क्राइम ब्रांच की मदद से अक्यूज़ जो झारखंड भागने की कोशिश कर रहा था उसको सूरत से विरार वाली ट्रेन जो है मुंबई तरफ जा रही, उस ट्रेन में वो संज्ञान से चढ़ा था और उसको रास्ते में पालघर से क्राइम ब्रांच पालघर की टीम और क्राइम ब्रांच वलसाड़ की टीम ने उठा लिया है। अक्यूज़ को
बनाव बनने के बाद एक घंटे के अंदर ट्रेन के अंदर से क्राइम ब्रांच ने उठा लिया है। अक्यूज को पकड़ लिया गया है, अक्यूज अभी हमारी कस्टडी में है। इस केस में आईपी जो मैंने बताया उस तरह से भारतीय न्याय संहिता की कलम 65(2) और पॉक्सो की कलमों के अंतर्गत गुना दाखिल किया है, जिसमें मैक्सिमम सजा फांसी की जोगवाई है। अक्यूज हमारी कस्टडी में है और अक्यूज के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम DYSP वापी डिवीजन दवे साहब, उनके साथ इंस्पेक्टर शैलेश चौधरी, उनके साथ सब इंस्पेक्टर स्मिता वसावा और चार अच्छे पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर कुल 7 लोगों की एक टीम पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है। इस बनाव के चलते कुछ कुछ लोगों में थोड़ी सी गैर समझ और थोड़ा सा उनको नॉलेज नहीं था। सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बनाव को पुलिस ने, वलसाड पुलिस ने सीरियसली लिया है और वलसाड पुलिस ने इस अक्यूज को एक घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया है और पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग जल्द से जल्द करके इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पीडर के साथ रिक्वेस्ट करके उनको स्पेशल पीपी भी हम लोग नियुक्त करवाने वाले हैं। मीडिया के माध्यम से मैं सभी जनता को, वलसाड की सभी जनता और उमरगाम की सभी जनता को हाथ जोड़ के नम्र अपील करता हूँ कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, किसी सोशल मीडिया पे कोई अफवाह चल रही उसके बहकावे में ना आए। लड़की एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है और अक्यूज को वलसाड पुलिस ने पकड़ लिया है।